दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शुक्रवार देर शाम केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था। लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट जा गिरा गहरी खाई में। एयर इंडिया विमान हादसे में 18 लोगों की मौत, 127 लोग हुए घायल। कोझिकोड रवाना हुए नागरिक उड्डयन मंत्री। एयर इंडिया विमान हादसा, बचाव दल का होगा कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्री बोले सेल्फ क्वारंटीन भी जरूरी। सुशांत मामले में खुला एक और राज। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से व्हाट्सएप कॉल पर करती थी रिया बात। 8 जून के बाद सुशांत का नंबर भी किया था ब्लॉक। चंडीगढ़ के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स और मंजीरा के बीच बने एक ठेके के पास एक युवक पर चली गोली। सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, हालत खतरे से बाहर। आपसी कहासुनी की वजह से चली थी गोली। मशहूर पंजाबी सिंगर कुलविंदर बिल्ला को हुआ कोरोना, इंडस्ट्री में मची खलबली। कोरोना अपडेट, 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,537 नए मामलों की पुष्टि, 933 मरीजों की मौत। जबकि भारत में अब तक कोरोना के मामले 20 लाख के पार। 7 राज्यों ने बिगाड़ा पूरा खेल, छोटे राज्य भी आगे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ₹225 में देगी कोरोना वैक्सीन की एक खुराक। भारत व गरीब देशों के लिए तैयार करेगी 10 करोड़ डोज। यूएनएससी में भारत का कड़ा रुख, कहा दाऊद इब्राहिम, लक्ष्य तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर हो आईएस जैसी कार्रवाई। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।